ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्स टैक्स। जब भी हम सेल्स या परचेज करते हैं उस पे हम सेल्स टैक्स पे भी कर रहे होते हैं और सेल्स टैक्स रिसीव भी कर रहे होते हैं। सेल्स टैक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है और इसको हमेशा आपने याद रखना है कि सेल्स टैक्स इफेक्टिवली या रियलिस्टिकली या एक्चुअली, सेल्स टैक्स का प्रिंसिपल है कि एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ कौन सफ़र करता है, ये सफ़र करता है या ये मुतासिर करता है आपके सिर्फ और सिर्फ एंड कंज्यूमर को। एंड कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट का वो कस्टमर होता है जो प्रोडक्ट को ख़रीदता भी है और उसको कंज्यूम या यूज़ भी करता है। अल्टीमेटली वो ही सिर्फ सफ़र करता है सेल्स टैक्स से। बाकी जितने भी बिजनेसेस इन्वॉल्व होते हैं वो एक तरफ से पे कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ से रिसीव कर रहे होते हैं, तो नेट ऑफ करके उनको अल्टीमेटली चार्ज नहीं होता। अब ये कैसे वर्क करते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बिजनेस है, आप बिजनेस कर रहे हैं। अब आपका बिजनेस है तो ऑब्वियसली अपने बिजनेस से पहले आप क्या करते हैं, पहले आप सप्लायर से गुड्स बाय करते हैं और सप्लायर से जब आप गुड्स बाय करते हैं उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं और फिर अपने कस्टमर को सेल करते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपका कस्टमर और यहाँ पे आ गया आपका सप्लायर। अब फॉर एग्जांपल, आपने अपने सप्लायर से $1,000 के गुड्स बाय किए हैं और उस पे आपने सेल्स टैक्स पे करना है उसको 20%। तो मतलब ये कि $200 का आपका सप्लायर सेल्स टैक्स ऐड करेगा और टोटल ये गुड्स जो हैं आपको वो देगा $1,200 का। ये 1200 आपको रिसीव होगा, ये आपकी कॉस्ट हो जाएगी $1,200 आपके प्रोडक्ट की। आप सप्लायर को कितना टैक्स पे कर रहे हैं इस $1,200 में से, 200। ये टैक्स जब आप सप्लायर को पे कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स वो होता है जो आप परचेजेस पे अपने सप्लायर को पे करते हैं। इसमें ये टर्म याद रखनी है, जैसे पहले एक्सप्लेन किया, ये जो है सेल्स है या कॉस्ट है एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स और ये इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है। ओके, अब आपने इनपुट टैक्स पे कर दिया परचेजेस पे, ये आपकी पॉकेट में से चला गया सप्लायर। फिर ये जो कॉस्ट थी 1200 का प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ या अपने कस्टमर को भी सेल करेंगे और ऑब्वियसली इसमें आप कुछ प्रोडक्ट भी कुछ प्रॉफिट भी ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, जो प्रोडक्ट आपको 1200 का मिला वो आपने अपने कस्टमर को दिया 1600 का, इसमें प्रॉफिट आपने कितना अर्न किया, 1200 का आपने खरीदा, 1600 का आपने सेल किया, तो 400 का तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट मिल गया, ठीक हो गया। अब जब 1600 का आप अपने कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो उस पर भी आप 20% टैक्स कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, तो 1600 इंटू 20%, तो कस्टमर से कितना आप चार्ज कर रहे हो, $320 टैक्स। तो इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स प्राइस क्या हो जाएगी, 1600 प्लस 320, 1920 जो है ये आप अपने किससे कलेक्ट करोगे, अपने कस्टमर से। तो आपका कस्टमर जो है वो आपको पे करेगा $1,920। इस $1,920 में कितना टैक्स शामिल है, 320। ये टैक्स आप पे नहीं कर रहे, ये टैक्स आप अपने कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं। जो कलेक्ट करते हैं कस्टमर से उस टैक्स को कहा जाता है आउटपुट टैक्स, और ये आउटपुट टैक्स आप तब कलेक्ट करते हैं जब आप सेल्स करते हैं अपने कस्टमर को। तो इनपुट टैक्स आप पे कर रहे हैं सप्लायर को परचेजेस पे, कस्टमर से आप कलेक्ट कर रहे हैं आउटपुट टैक्स अपनी सेल्स पे। अब बिजनेस को इफेक्टिवली कोई कॉस्ट आई या नहीं आई, क्योंकि सप्लायर को तो हमने पे किया $200। तो देखते हैं वर्किंग सेल्स टैक्स की। सेल्स टैक्स की लाइबिलिटी आपने जब फाइंड, लाइबिलिटी क्या होती है कि इस बिजनेस ने, हमारे बिजनेस ने कितना सेल्स टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, तो ये होती है सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। कैसे फाइंड करेंगे सेल्स टैक्स लाइबिलिटी, जितना आपने इनपुट टैक्स पे किया है उसमें से आप माइनस कर लेंगे आउटपुट टैक्स और बाकी जो बच जाएगा, अगर बच जाएगा, तो
तो वो आप पे करेंगे गवर्नमेंट को। इस एग्जाम्पल में हमने कितना टैक्स पे किया सप्लायर को, $200। कितना हमने कस्टमर से रिसीव किया, $320। तो 320 माइनस 200 यहां पर आ गया एडिशनल बिजनेस के पास $120। ये $120 जो है ये हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो आपने क्या किया बेसिकली बिजनेस में, आपने जो टैक्स पे किया था उससे ज्यादा टैक्स आपने कस्टमर से लिया, जितना आपने पे किया था वो तो वापस अपने पास आपने रख लिया और बाकी ओवर एंड अबव अमाउंट जो है वो आपने कस्टमर को पे कर दिया। तो इफेक्टिवली बिजनेस को कितना सेल्स टैक्स चार्ज हुआ, एब्सोल्युटली जीरो। क्यों, 200 पे किया और वहां से 200 कस्टमर से 320 कलेक्ट किया, अपना 200 रख लिया और बाकी जो 120 है वो गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो इसी तरह जितने भी बिजनेसेस होते हैं उनको कभी भी इफेक्टिवली सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता, वो अपनी परचेजेस पे सेल्स टैक्स पे करते हैं और सेल्स पे उनको रिकवर कर लेते हैं। इनपुट टैक्स आपका एक्सपेंस होता है और वो आप एक्सपेंस रिकवर कर लेते हो कस्टमर से। तो इस तरह जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो सेल्स टैक्स, इनपुट टैक्स भी पे करते हैं, आउटपुट टैक्स रिसीव भी करते हैं, बट इफेक्टिवली उनको कोई चार्ज नहीं हो रहा होता। अब ये जो कस्टमर है जिसने $1600 का प्रोडक्ट लिया, 320 टैक्स उसने बाय किया, पे किया हमें हमारे बिजनेस को, और $1920 ये है उसकी कॉस्ट, इतने का उसको ये प्रोडक्ट पड़ गया। अब अगर वो इस प्रोडक्ट को यूज करता है तो मतलब ये कि सेल्स टैक्स उसको चार्ज हो गया, और अगर वो आगे किसी और कस्टमर को सेल कर देता है तो वो उससे इसी तरह रिकवर कर लेगा। तो इस तरह ये पूरी चेन जो है ये वर्क करती है सेल्स टैक्स की। सो आई होप यू आर क्लियर विथ दिस। अब थोड़ी सी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सेल्स टैक्स की, क्योंकि बच्चे अक्सर बड़े कंफ्यूज होते हैं कि इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स की वर्किंग कैसे करनी होती है। तो ये वर्किंग जरा देख लेते हैं। और यहाँ पर एक सेल्स टैक्स का क्वेश्चन है, द ग्रॉस प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए इज $705 एंड द नेट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी इज $480। व्हाट इज द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन ईच प्रोडक्ट इफ द सेल्स टैक्स रेट इज 20%। एक चीज तो बड़ी हमें क्लियर है, चाहे हमें ग्रॉस प्राइस दी हो या नेट प्राइस दी हो, पर एक्सप्लेन कर देता हूँ नेट प्राइस में और ग्रॉस प्राइस में फर्क क्या है। आपकी जितनी भी नेट प्राइस होती है इसमें आप सेल्स टैक्स को ऐड करते हैं एंड यू विल गेट दी ग्रॉस प्राइस। ये जो नेट प्राइस होती है ये एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स होती है, इसमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं होता, और जो ग्रॉस प्राइस होती है इसमें सेल्स टैक्स शामिल होता है, तो इसको इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स कहा जाता है। अब वर्किंग कैसे होगी, पहले प्रोडक्ट बी देख लेते हैं। प्रोडक्ट बी जरा सिंपल है, प्रोडक्ट बी में नेट प्राइस आपको दी हुई है, नेट प्राइस कितनी है 480। ग्रॉस प्राइस कितनी है, ग्रॉस प्राइस वो होगी जो सेल्स टैक्स के बाद आएगी। सेल्स टैक्स कितना चार्ज हो रहा है 20%। तो प्रोडक्ट बी की जो ये नेट प्राइस है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 100% है, ठीक है। तो 100% प्लस 20% जो ग्रॉस वैल्यू होगी दैट विल बी 120%। इसको हम वेटेज दे रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा। तो अब नेट प्राइस है 480, इस पे हम ले लेते हैं 20% स्ट्रेट फॉरवर्ड, टैक्स इस पे आ गया 96%, $96। ये 96 जो है ये 20% है किसका, नेट प्राइस का। हमेशा याद रखते हैं जो सेल्स टैक्स कैलकुलेट होता है कैसे कैलकुलेट होता है, जो भी नेट प्राइस होती है उसका 20% हम उसमें ऐड कर देते हैं। सो इसका अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखूँ तो नेट प्राइस प्लस नेट प्राइस इनटू सेल्स टैक्स परसेंटेज, ये वर्किंग हम हमेशा करते हैं। तो मतलब जो नेट प्राइस होती है उस पर हम सेल्स टैक्स का परसेंटेज अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 480 का 20% लिया तो हमारे पास आ गया 96%, टोटल कर लेते हैं ग्रॉस प्राइस आ जाएगी 576। अब ये ग्रॉस प्राइस का क्या मतलब है कि इसमें 480 की नेट प्राइस है, $96 का सेल्स टैक्स है एंड टोटल ग्रॉस प्राइस आ गई 576। अगर नेट प्राइस हमारे पास 100% थी, सेल्स टैक्स 20% था, तो हमारी ग्रॉस प्राइस आ गई 120%।
अब प्रोडक्ट ए में देख लेते हैं, प्रोडक्ट ए में हमें ग्रॉस प्राइस दी हुई है जो कि 705% है। अब ये 705% जो है ये 120 के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि नेट प्राइस हमें पता नहीं है कितनी है, लेकिन जितनी भी होगी वो 100% के इक्वल होगी हमेशा। सेल्स टैक्स जो है वो 20% उसमें ऐड होगा, तो ग्रॉस प्राइस आ जाएगी 120%। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि 705 लेकर उसका 20% ले लेते हैं, लेकिन ये एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि सेल्स टैक्स सिर्फ और सिर्फ नेट प्राइस पे कैलकुलेट हो सकता है। अब अगर नेट प्राइस ना गिवन हो, ग्रॉस प्राइस गिवन हो, तो वर्किंग कैसे करेंगे? वही प्रोपोर्शनल मेथड यूज करेंगे। 705 ये ग्रॉस अमाउंट लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे इसकी वेटेज पे जो के है, 705 जो है 120% के इक्वल है, सो 705 डिवाइड बाय 120। और क्या फाइंड करना है हम? नेट प्राइस, नेट प्राइस है इक्वल 100%, तो 705 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई 100 वी विल गेट द नेट प्राइस 588। तो इस ग्रॉस प्राइस से जब हमने 20% टैक्स डिडक्ट किया तो हमारे पास आ गई नेट प्राइस 588 की। रिमेंबर, सेल्स टैक्स कभी भी ग्रॉस प्राइस पे कैलकुलेट नहीं हो सकता, सेल्स टैक्स सिर्फ और सिर्फ नेट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। अब नेट प्राइस हमारे पास आ गई, बाकी सिंपल वर्किंग है, 588 इंटू 0.20 तो हमारे पास आ गया 118। अब दोनों को ऐड करके देख लेते हैं, 588 प्लस 118 तो ये हमारे पास आ गया, सॉरी 588 प्लस 118 तो ये हमारे पास आ गया सेम ग्रॉस प्राइस 705। सेल्स टैक्स अगर आप वेटेज के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहें ग्रॉस प्राइस से, वो भी कर सकते हैं। 705 इसकी वेटेज कितनी है? डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई, अब क्या फाइंड करना है? सेल्स टैक्स, सो मल्टीप्लाई 20%, तो ये आपके पास वही 118 आ जाएगा। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन वर्क। अब यहां पर प्रोडक्ट ए जो है ये इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स प्राइस गिवन थी, प्रोडक्ट बी में एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स प्राइस गिवन थी, और दोनों की वर्किंग यहां पे करके आपको दिखा दी। सो आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स टैक्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डेटा एंड स्टोरेज ऑफ डेटा, कि डेटा को हम कैसे सेव करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर कर सकते हैं, ये टॉपिक हम देखेंगे। थ्योरेटिकल टॉपिक है बट अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक।